नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का विदेश दौरा निरस्त कर दिया है और इसकी जानकारी सीएम ने खुद साझा की है। सीएम ने दौरा निरस्त की जानकारी दी। विदेश दौरा निरस्त हुआ है, 14 मई को प्रस्तावित था सीएम का विदेश दौरा, जिसको निरस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया, जिसके बाद अब विदेश दौरा रद्द हुआ है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसको लेकर बयान दिया। सीएम के विदेश दौरा निरस्त करने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पिछड़े वर्ग के लिए यह सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की है। कांग्रेस के आरोप पर भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, जब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात की और अब उन्होंने इसके चलते अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया। और इसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी के लिए सरकार कृत संकल्पित है और इसके लिए ही ये जो है दौरा रद्द किया गया है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह है, पूरे लगातार बयानों की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले को लिया है और चूंकि गंभीरता से लेते हुए सरकार की कोशिश ये है कि ओबीसी को उनके हक का आरक्षण मिल सके, इसको लेकर प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार ने ये प्रयास किया है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाए, ताकि इस पूरे फैसले पर एक बार फिर से रिव्यू किया जा सके। हालांकि इसके पहले जिस तरीके की अगर पूरी बातचीत या हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, तो दोनों लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और चूंकि एक राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ है मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण नजर आ रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला किया है कि वो जो 14 तारीख से विदेश यात्रा पर जा रहे थे, तो अब वो विदेश यात्रा वो उन्होंने निरस्त कर दी है। विदेश यात्रा पर अब नहीं जाएंगे। अब वो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है, तो गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि विदेश ना जाकर इस पूरे ये का जो मामला चल रहा है, इस मामले पर गंभीरता से काम करेंगे और जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के हितों के लिए सरकार कोशिश ये कर रही है कि कोर्ट जाएगी, रिव्यू पिटीशन लगाएगी, ताकि तो उनको उनका हक मिल सके। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाए, तो उस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जा सके। वहीं अगर चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की बात करें, तो निर्वाचन आयोग में एक बड़ी बैठक जो है आज देखने को मिल सकती है। और बड़ी बैठक भी इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि 15 दिन में जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग 15 दिन में अधिसूचना जारी करे, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करे, ताकि जो चुनाव है वो समय पर कराए जा सके। हालांकि 2019 में ही ये चुनाव कराए जाने थे, लेकिन जब चुनाव नहीं हो सके हैं, तो अब एक बार फिर से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। इससे पहले भी सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कहीं ना कहीं एन वक्त पर वोटिंग से पहले सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था और हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, फैसले पर कहीं ना कहीं चुनाव को टालना पड़ा था। तो अब देखना ये होगा कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसला किया है कि वो विदेश ना जाकर इस मामले पर गंभीरता से काम करेंगे, तो अब इस मामले पर किस तरीके से काम सरकार करती है और जो चुनाव आयोग बैठक करेगा, उस बैठक में किस तरीके से मंथन होता है, मंथन होने के बाद किस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है, तमाम सारी बातों पर आज दिन भर लगातार गहमा गहमी का माहौल देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, आज दिन भर जो है गहमा गहमी का माहौल बना रहेगा, जिस प्रकार से जो है, क्योंकि सरकार भी ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहती और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश कि ओबीसी वर्ग नाराज ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ये और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहता है और इसके लिए ये तमाम सारी कवायद की जा रही है। दुष्यंत जी, अब बिल्कुल देखिए पूरी कवायद जो है इसके लिए की जा रही है और जिस तरीके से लगातार सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं कि वो पिछड़ा वर्ग के हितैषी है,
चाहे पिछड़ा अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ने कहीं ना कहीं पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखा, जिसकी वजह से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो कांग्रेस पर उल्टे आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस ने समय रहते सही से काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ओबीसी अपने आरक्षण के हित से कहीं ना कहीं वंचित हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति तो देखने को मिल ही रही है और राजनीति के साथ साथ संवैधानिक दांवपेच भी आज देखने को मिलेंगे। संवैधानिक तरीके से चुनाव कराए जाने हैं तो किस तरीके से चुनाव होंगे, क्या आरक्षण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि ओबीसी वर्ग की जो सीटें आरक्षित थी अभी तक उन सीटों पर क्या कैसे फैसला लिया जाएगा, कौन से क्या वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी और वहां से ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाएगा या फिर ये एक नए सिरे से पूरी प्रक्रिया होगी। इन तमाम सारी बातों को लेकर, तमाम सारे बिंदुओं को लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में देखने को मिलने वाला है। जी शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से कल फैसला आया उसके बाद से सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, फिर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान और अब इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की भी आज बैठक है। सीएम शिवराज ने एक तरफ अपना दौरा रद्द कर दिया है, तो दिन भर आज गहमा गहमी बनी रहने वाली इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ओबीसी वर्ग जो है काफी निर्णायक भूमिका में रहता है। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी जिस प्रकार से बोला कि मध्य प्रदेश के 3 CM जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, पीएम भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को साबित करना चाहती है कि ओबीसी वर्ग की हितैषी है। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है इसको लेकर, कांग्रेस भी जो है लगातार दावे करती रही है ओबीसी वर्ग को लेकर, और साधने की भी तमाम कवायदे दोनों पार्टियों की तरफ से भी दिखाई देती हैं समय समय पर, कि किसी भी वर्ग की बात कर ली जाए नाराजगी किसी की भी नहीं अभी झेलना चाहती कोई भी पार्टी। लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पिछले कई महीनों से गरमाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये फैसला गया जो, और फैसला जब आया तो पार्टियों के ही होश उठ गए। जिस प्रकार से पूरा बिना जो है आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई है, तो उसके बाद से अब राजनीति और ज्यादा गर्म आ गई है। चलिए, और कांग्रेस से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी बहुत स्वागत आपका। जी बहुत धन्यवाद पूनम जी। जी ब्रजेश जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी कल आपने सुना होगा, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की उन्होंने बात कही, आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आता है कि जो है बीजेपी ओबीसी के लिए कृत संकल्पित है और उसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा रद्द किया है। देखिए पूनम जी, बहुत साफ बात है, एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं समझता हूँ ये संपूर्ण की सारी गलती अगर किसी ने किया है तो इसके लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जब हाई कोर्ट का फैसला आया था और ये ट्रिपल टेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, तब सरकार को अपनी सारी की सारी जितना भी एक्सरसाइज था, होमवर्क था, उसको संपूर्ण करना चाहिए था। और जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट होती है उसमें जनसंख्या, भौतिकता, बहुत चीजें, तीनों चीजें समाहित होती है। आपने तीनों चीजों को इग्नोर करके अपनी जो टेस्ट रिपोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट में दिया वो पूरी तरह से अधूरी थी, वो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी, और अब आप ओबीसी वर्ग को गुमराह करने के लिए जो है इस तरह की बातें करें, आश्चर्य लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, और जहां तक बींग ए लायर मैं सोचता हूँ अब आप रिव्यू पिटीशन दायर भी करेंगे तो माननीय अदालत अपने दिए फैसले को नहीं बदलता है, ये प्रोविजन है संविधान के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ नया होने वाला। क्या फैक्ट देंगे आप? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक राय नहीं है पूनम साहब कि वास्तव में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है। कोई कहता है 49% है, इनके एक नेता कहते हैं 56% है, एक नेता 35 से ऊपर का दावा करते हैं। आखिर ये विसंगतियों को देखकर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, चूंकि आपने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया वो ढाल के 3 पाक की तरह किया, कोई मतलब ही नहीं है। कोरोना टाइम में आपने जनगणना नहीं किया, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के कम से कम 51-52 जिलों के अंदर आपको मोटे मोटे ओबीसी वर्ग के जिलों की गणना करा करके, जब कोरोना का दौर थोड़ा कम हुआ, ये सब करा करके आपको सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल पुटअप करना था, सॉलिसिटर जनरल के सामने को ये सब बातें लाना चाहिए था। बतौर महाधिवक्ता होने के बाद भी इन लोगों ने किस तरह का आर्गुमेंट किया, मुझे आश्चर्य लगता है। 200 रुपये आप विवेक तनखा जी पे करते हैं, बहुत आश्चर्य लगता है, क्योंकि आप अपनी खुद गलती करो और कांग्रेस पर 200 रुपये करो, ये बात मैं सिरे से खारिज करूँ।
बिल्कुल, कांग्रेस पर दोषारोपण हो भी रहा है, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने सही समय पर काम नहीं किया है। पूनम साहब आप मुझे बताइए, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय में इस सब चीजों को ओबीसी आरक्षण देने के बाद राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, और जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह साहब की पहली सरकार बनी थी पहले कार्यकाल की, तो उन्होंने पंचायत चुनाव के अंदर ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिया था। 14% आरक्षण का जो सिलसिला था उसको आगे जाकर के माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने 2018 में, उन्होंने 27% कर दिया। अब कांग्रेस के मंशा में कहां खोट है, कांग्रेस के नियत में कहां खोट है, कांग्रेस के ध्येय में कहां खोट है, क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथी बता सकते हैं? 14% को बढ़ा के हमने 27% किया, हमने 14% को घटा करके 4% या 9% नहीं किया, हमने उसको बढ़ा के 27% किया। और जब इनकी सरकार, इन्होंने किस तरह से कंस्पिरेंसी करके अपनी सरकार बनाई कांग्रेस के घड़े को तोड़ करके कोरोना के पीक आवर में, उसके बाद क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि जो मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता थे, जो यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, जीरा कर रहे थे, वो सरकार का पक्ष रखते जो है कठोरता के साथ, कहते साहब मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी की जनसंख्या इतनी है इसलिए इस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसमें कांग्रेस कहां से दोषी हुई, जो तत्कालीन सरकार होती है उनका महाधिवक्ता होता है प्रदेश के अंदर। जी ब्रजेश जी, बने रहिए आप हमारे साथ, और अब आपको सुनवा देते हैं कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए ये सरकार का संकल्पित है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर। अच्छा, अदालत में कौन गया था आप बताओ? बीजेपी गई थी, बीजेपी चुनाव में गई थी, चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बनके आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है, तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी अदालत में तो ये गए ना, गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल, जो था वो और चला गया। और कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस और ये कमलनाथ जी, मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनके साथ में धोखा किया, अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया विधानसभा में, यही नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में, उनने कहा था कि 27% ओबीसी है, गलत जानकारी विधानसभा को दी। ब्रजेश जी, एक बार फिर मैं आप ही की तरफ रुक करूंगी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, खासतौर से जो बातें सामने आई, कहीं ना कहीं उन्होंने जिस प्रकार से कहा कांग्रेस अदालत में गई, अदालत में तो सैयद जाफर, विवेक तनखा, आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो अदालत के दरवाजे तक गए, कांग्रेस ही चुनाव से भागी है, नहीं तो बीजेपी ने तो चुनाव की घोषणा भी कर दी थी, चुनाव के लिए तैयार भी थे, और बीजेपी हमेशा यही बोलती कि बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार भी रहती है। पॉलिटिक्स में चाहे मैं हूँ चाहे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता लोग, जब भी कभी कोई डिबेट में बैठे तो उसको संपूर्ण तैयारी करके बैठना चाहिए। शायद माननीय मंत्री जी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं या उस चीज को नहीं बोलना चाह रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि वो सम्मानीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं। सैयद जाफर जी का जया ठाकुर जी का केस दूसरा था, और जब इन्होंने पंचायत, मैं आपको विधिवत बताए दे रहा हूँ उस चीज को, जब इन्होंने सैयद जाफर साहब ने और जया ठाकुर साहब ने जब इन्होंने पंचायती चुनाव की घोषणा किया मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, तो इस बात के लिए अदालत में कहते कि साहब 27% रिजर्वेशन आप लागू करो ओबीसी वर्ग के पर, पहली बात। आदरणीय विवेक तनखा साहब की जहां तक दृष्टांत की बात ही कर रहे हैं, आदरणीय विवेक तनखा साहब ने इस पर आर्गुमेंट किया, स्वाभाविक सी बात है वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं, वो अपनी पार्टी का बचाव करेंगे,
मध्य प्रदेश ने अपने महाधिवक्ता बनाए थे, क्या मध्य प्रदेश के सरकारी महाधिवक्ताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो बचाव पक्ष में अपने तर्क देते, अपने तथ्य गिनाते? अगर नहीं थी तो फिर महाधिवक्ता क्यों है? वो मध्य प्रदेश सरकार उनको तनख्वाह देती है, उनको उनकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी बात करो ना, कोर्ट के सामने एक वाद होता है और एक प्रतिवाद होता है। अगर कोई व्यक्ति बात दायर करता है तो उसका प्रतिवाद करने के लिए अपोजिशन पार्टी का लायर खड़ा होता है कोर्ट में, ये व्यवस्था होती है कोर्ट की। आप तो खुद एक अच्छी अधिवक्ता है, आप जानती हैं पूनम जी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं आप, मुझको एक बात बता दीजिए कि अरुण यादव साहब ने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया था कांग्रेस के संविधान के हिसाब से, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का, तो उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल लिया था। उसके बाद जब चुनाव हुआ और उस चुनाव में जिसको भी अध्यक्ष बनाया माननीय सोनिया गांधी जी ने चुनाव के आधार पर बनाया, अभी भी चुनाव संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, उसके बाद फिर निर्णय होगी, पार्टी हाईकमान करेगा। ये महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है बतौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर पूर्णतया फेल हुई है। ये इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि जब ट्रिपल टेस्ट की बात आई और माननीय हाईकोर्ट ने इस बात को पे कहा कि साहब ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आपकी अधूरी है, गलत है, इसको ठीक करिए, क्या आपके सरकारी अधिवक्ता का दायित्व सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनता कि साहब इसको जी? चलिए ब्रजेश जी, गोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। गोविंद जी बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी। गोविंद जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपकी तरफ से कहा गया कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौरा भी निरस्त कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट जो आपने कराया, रिपोर्ट दी, वो कहीं ना कहीं जो है अधूरी थी, गलत थी, और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी को लेकर आया और अब आप ओबीसी वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात, या जो भी तमाम बयान आपकी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। कि कांग्रेस का काम है छल करना, कपट करना। वो आजादी के बाद से पहले बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के नाम पर, फिर शरणार्थियों के नाम पर, फिर रिफ्यूजी, फिर उसके बाद गरीबी हटाओ के नाम पर, फिर सुनहरे कल का सपना दिखाकर छलती रही है जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर झगड़े कराना, दंगे कराना। या पुराने इतिहास में जब इनकी सरकार आई थी ये सब चल रहा था, 27% आरक्षण की बात करके और उसके बाद में खुद ही ने कोर्ट में लगवा दिया और खुद ही ने जो है उस पर कोई प्रॉपर उसकी पैरवी नहीं की। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सब किया तो अपने ही लोगों को खड़ा कर दिया उसके खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए, और अब वो कह रहे हैं कि आपकी गलती। अरे भाई, मंशा आपकी जाहिर हो चुकी है जनता के बीच में और ओबीसी वर्ग के बीच में, आपका जो आवरण है वो उतर चुका है, आप दिगंबर हो चुके हैं इस मामले में, और आपने जिस ढंग से छला है ओबीसी को, हमने तो 27% आरक्षण जिन जगह आपने विवाद की उसके अलावा हमने सब दूर दे दिए हैं। आप देखिए, हमने हमारे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी ने नीट और बाकी सब जगह दूसरी नौकरियों में आरक्षण दिए। आप चाहते नहीं है चुनाव को फेस करना। आप जानते हैं कि यदि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हुए तो पराजय का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा, इसलिए अब वो बहाना बना रही है। हाँ, न्यायालय का फैसला अपनी जगह है, न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपना पक्ष पुरजोर ढंग से पहले भी रखा, अब भी रखेंगे, और हम फिर कह रहे हैं हम संकल्पित है, हम वचनबद्ध हैं कि हम 27% आरक्षण दिलाएंगे पिछड़े वर्ग को, और जो कांग्रेस ने ना इंसाफी करके और नए नए बखेड़े खड़े किए हैं उसका भी पर्दाफाश करेंगे जनता के बीच में जाकर। ब्रजेश जी, कांग्रेस छल कपट की राजनीति करती है, छल कपट जो है बीजेपी ने नहीं और जो आपने किया है, उस गोविंद मालू जी ने कहा अभी कि 27% आरक्षण दिलाया जाएगा ओबीसी वर्ग को। मैं तो इतने कह सकता हूँ, गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि भगवान श्री राम इन्हें सद्बुद्धि दे और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बातें कम से कम ना करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की ओबीसी की जनता इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है या समझ ली है कि मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में सरकार किसकी। हाई कोर्ट के सामने जब ये केस आया तब से सरकार जो है माननीय शिवराज सिंह जी की है। मैं समझता हूँ कि अब तो ये सर्टिफिकेट भी देने लगे, अभी आपके सामने कह रहे हैं कि साहब की कांग्रेस जो है वो उसको हार का सामना करना पड़ेगा तो निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट देने लगे। कम से कम इनसे बचना चाहिए, ये
ये मामला कोर्ट के अंदर है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह जी ने कहा है कि मैं रिव्यू पिटीशन दायर करूंगा, अभी इस पर चर्चा कीजिए। अगर मैं अभी अपने गोविंद लालू साहब से पूछ लूंगा साहब ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, इसकी रिपोर्ट क्या होगी, इसकी टेक्निकल भाषा नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, ट्रिपल टेस्ट में तीन चीजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट देखता है। एक, किसी के मामले में उसका भौतिक सत्यापन, दूसरा आर्थिक सत्यापन और तीसरी जनसंख्या कितनी है उसकी गणना। तीनों ही बिंदुओं को आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने में फिसड्डी साबित, इस चीज को मानिए, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है और हाई कोर्ट के बाद आपका लिटमस टेस्ट होना था सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप चाहते तो तीनों सिर्फ ड्रॉप में तीनों चीजों में थोड़ी सी रद्द बदल करते। बींग ए लायर, मैं भी मैंने वो गलत किया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस किया है, मुझे पता है कि किस तरह से इसको वहां पे सामने जाकर के आर्गुमेंट करना चाहिए था लायक को, कि अपनी कमी को दूसरे पे दोषारोपण मत डालिए। अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार को आर्गुमेंट दे करके ओबीसी को आरक्षण दिलाना था, आप इस पे सफल नहीं हो पाए, अब उस पे कांग्रेस को दोषारोपण क्यों कर रहे हैं आप? अभी भी समय है दोषारोपण करने की जगह मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूनम साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा इनको बैठ करके एक सामूहिक बैठक बुलाए, उसे विपक्ष के नेताओं को बुलाए, अगर इनके अंदर पूरा 1% भी ईमानदारी है, 27% रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि बुलाएं, आपस में बैठक करें और एक मसविदा तैयार करें और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। जैसे आप कोरोना काल में हम नहीं करा पाए जनसंख्यात्मक गणना, चलिए हम लोगों की आपस में राय है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट कर सकता, पर ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको लगता है कांग्रेस को बुलाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारे हाथ से इशू निकल जाएगा। अभी जरूरत है मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के भाइयों को आरक्षण देने की, उस दिशा में प्रयास करिए, ना कि गलत बयानबाजी करके या कोर्ट की जो अधोसंरचना उसके खिलाफ टिप्पणी कर। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल दोनों को आपने सुना, कांग्रेस जहां एक और बीजेपी पर आरोप लगा रही तो वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो काफी सख्ती से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 3 साल से लंबे चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, 15 दिन में अधिसूचना जारी करें, ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना जो है आरक्षण नहीं मिल सकता, और ये सारी बातें जो है रिपोर्ट जो पेश की गई वो अधूरी और गलत लगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से ये फैसला सुनाया। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है।